ठीक है, होता क्या जर्नली कि अब बेवफा जिक्र कर दो, सबके दिमाग में डाउट आता है लड़की होगी। 100% यही आएगा कि आप बोल दो बेवफा, कोई लॉजिकली ये नहीं जानेगा नहीं कि किसके साथ क्या हुआ। सबसे होगा कि बेवफा है तो लड़की है, लड़के का नाम नहीं आएगा। तो उस पर एक लड़की की लिखी है, कुछ बताना कितना अच्छा लिखा है कि लड़की कह रही है, लड़की की फीलिंग, अब लड़के की आवाज़ है समझ लेना भाई लोगों, देखो लहजा थोड़ा मेरा हरियाणवी है, कि लाइन ऐसी है कि प्यार का मतलब पाना नहीं निभाना होता है। ये टाइटल है कि प्यार का मतलब पाना नहीं निभाना होता है। तो शुरू यहाँ से करते हैं कि तू मेरी नहीं तो तू किसी की नहीं होगी, कि तू मेरी नहीं तो तू किसी की नहीं होगी, ये तो बेकार का बहाना होता है। प्यार का मतलब पाना नहीं निभाना होता है। कि मान जाए तो बंदी है मेरी, कि मान जाए तो बंदी है मेरी, और ना माने तो फिर किसी गलत शब्द से क्यों फरमाना होता है। प्यार का मतलब पाना नहीं निभाना होता है। कि अगर वो किसी से चंद मिनट बातें क्या कर ले, कि अगर वो किसी से चंद मिनट बातें क्या कर ले, फिर क्यों उसके फ़ोन को चेक कर उसको आजमाना होता है। प्यार का मतलब पाना नहीं निभाना होता है। कि कह देते हो किसी को यूं ही बेवफा, कि कह देते हो किसी को यूं ही बेवफा, उसके लिए इतना सुनना ही मर जाना होता है। प्यार का मतलब पाना नहीं निभाना होता है। अब लड़की फुल भर चुकी है गुस्से में, अब अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है कि तेरी जैसी मोहब्बत से आज हम मुकर जाते हैं, कि तेरी जैसी मोहब्बत से आज हम मुकर जाते हैं, ऐसे बुरे दौर को छोड़कर अच्छा यहाँ से गुजर जाना होता है। प्यार का मतलब पाना नहीं निभाना होता है। कि रूह जिस्म इज्जत शर्म तेरे सामने रखी थी, कि रूह जिस्म इज्जत शर्म तेरे सामने रखी थी, ये कैसी मोहब्बत है, इसमें खुद को ही जलाना होता है। प्यार का मतलब पाना नहीं निभाना होता है। अब लास्ट फाइनल ये था कि तूने लगा दिए हमारे दामन पे ये दाग, कि तूने लगा दिए हमारे दामन पे ये दाग, हम लड़की हैं हमें दागों के साथ ज़िंदगी बिताना होता है। प्यार का मतलब पाना नहीं निभाना होता है। अब ये कुछ अगली पोइट्री बोलते शायरी बोलते को मेरे को नहीं पता, मैंने भी नया लिखना शुरू किया है, बल्कि मैं लिख देता हूँ। तो कुछ अपने बारे में लिखने की कोशिश करिए, मैं जैसा हूँ, कि टाइटल है कि ज़िंदगी मैं अपने हिसाब से जीता हूँ, कि मैं नशा भी करता हूँ मैं शराब भी पीता हूँ, कि मैं नशा भी करता हूँ मैं शराब भी पीता हूँ, ज़िंदगी मैं अपने हिसाब से जीता हूँ, कि कत्ल कई किए पर कोई बेगुनाह नहीं मारा, कि कत्ल कई किए पर कोई बेगुनाह नहीं मारा, हर बुरे शख्स के लिए मैं जलती हुई चिता हूँ, ज़िंदगी मैं अपने हिसाब से जीता हूँ। कि बेशक कुछ खास अच्छा नहीं दिखता लोगों को मुझ में, कि बेशक कुछ खास अच्छा नहीं दिखता लोगों को मुझ में, जिसने जाना है ना मुझे उसके लिए मैं भगवत गीता हूँ, मैं ज़िंदगी अपने हिसाब से जीता हूँ। कि मेरे ऐब मेरी काबिलियत छुपा नहीं पाएंगे, कि मेरे ऐब मेरी काबिलियत छुपा नहीं पाएंगे, खूंखार शिकारी हूँ पर लोगों के लिए मैं जंगल का चीता हूँ, ज़िंदगी मैं अपने हिसाब से जीता हूँ। कि मना कर दिया था अस्पतालों ने मेरे इलाज को, कि मना कर दिया था अस्पतालों ने मेरे इलाज को, इसीलिए आजकल अपने घाव खुद ही सीता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीता हूँ। कि वैसे बहुत शरीफ हूँ, ज़्यादा उछल कूद नहीं करता, कि वैसे मैं बहुत शरीफ हूँ ज़्यादा उछल कूद नहीं करता, वो देखा ना लड़ाई में एक उड़ता हुआ अड्डा किसी के सिर पर जाके पड़ता है, वो मैं ईंटा हूँ, ज़िंदगी में अपने हिसाब से जीता हूँ। कि लोग कहते हैं तू पहले अच्छा था, कि लोग कहते हैं तू पहले अच्छा था पहले जैसा बन जा, अरे कैसे बन जाऊँ मैं वही दौर हूँ जो अभी अभी बीता हूँ, मैं ज़िंदगी अपने हिसाब से जीता हूँ। कि हाँ कमियाँ कई हैं मुझ में पर कभी किसी बेकसूर को नहीं सताया, कि हाँ कमियाँ कई हैं मुझ में पर किसी बेकसूर को नहीं सताया, मैं खुद में हूँ मैं खुद में खुश हूँ मैं खुद से जीता हूँ, ज़िंदगी मैं अपने हिसाब से जीता हूँ।
ठीक है ना। और लास्ट की वो दो लाइन जो शायद आधों ने सुनी है आधी नहीं सुनी है, दो लाइन है, दो लाइन कि बंदा ना स्ट्रगल करते करते जल्दी टूट जाता है कि यार मैं चार पांच बार ये काम कर लिया, मैं हार गया, मेरी एज 28 प्लस है और मैं लाइन के हर दौर से घिसा हूँ, 14-15 साल में स्ट्रगल करते करते हो गए, हर लाइन में रहा हूँ मैं। तो मैंने एक लाइन लिखी थी, आधे लोगों ने सुनी है, तीन चार लोग थे शुरू में, कि जिंदगी अच्छे ख्वाब देती है, वो सबको देती है, मुझे आए ये बनना है, मुझे वो बनना है, वो बनना है, कि जिंदगी अच्छे ख्वाब देती है, सफलता नहीं देती, और वो सफलता भी क्या जिसने विफलता नहीं देखी। राम राम।